उत्तर प्रदेश मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने सू भारती विश्वविद्यालय के कार्यालय अधीक्षक को ईंट से पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल मेरठ के थाना टीपी नगर के बागपत रोड पर सू भारती विश्वविद्यालय के फैकल्टी संजय गौतम को बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने बागपत रोड पर ईंटों से पीट पीट कर हत्या कर दी। सोचने वाली बात यह है कि बदमाशों के पास अवैध हथियार होने के बावजूद भी उन्होंने संजय गौतम को ईंटों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने पहले संजय गौतम से हाथ मिलाया, उसके बाद पीछे से ईंट से वार किया गया और तब तक करते रहे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। सोचने वाली बात यह है कि जब बदमाश संजय गौतम पर वार कर रहे थे तो आसपास के लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे के आधार पर छानबीन शुरू की जा रही है। मृतक के परिजनों का कहना है कि संजय पिछले 4 दिनों से कॉलेज नहीं जाना चाहते थे। इससे साफ लगता है कि इस हत्या के पीछे कॉलेज का भी हाथ हो सकता है। संजय गौतम नामक कर्मचारी जो कार्यालय अधीक्षक के पद पर साइंस फैकल्टी में तैनात हैं, वो जब सुभारती यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे तो टीपी नगर थाना क्षेत्र में एक स्थान पर पीछे से बाइक सवार 3 बाइकों पर लड़के थे, लड़के जैसे लग रहे हैं, जो आए इनको पहले पैर से मारे जिससे गिर गए। गिरने के बाद इनके सर पर प्रहार किए ईंट से, वहीं जो पास में पड़े हुए थे। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाले जा रहे हैं। सुभारती से भी इसमें कई चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मिली हुई हैं और जल्दी ही घटना में सम्मिलित लोगों की जानकारी करके उनके खिलाफ़ आवश्यक विधिक और कठोर कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये रोड पे घटना घटी है तो इसमें अन्य सेक्शन जो भी बनेंगे आईपीसी के, उसके तहत इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया हत्या की क्या लग रही है, क्या यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं मानने वाले, अभी तक यूनिवर्सिटी से क्या मिली है? जैसा मैंने आपको बताया अभी कि यूनिवर्सिटी में भी हमारी टीम लगी हुई है, कुछ फुटेज मिले हुए हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि छात्र जैसे लग रहे हैं, लेकिन तस्दीक होने के बाद, पूरी जानकारी होने के बाद फिर मोटिव की जानकारी करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।